यार मस्त जगह है, मस्त मतलब ये सही है। देखो वो तनी क्या लाइट हाउस सब बना रखा है इन्होंने, क्या है ये व्यू मस्त है यार, मतलब अच्छा है। यहाँ पे बंदे, यहाँ पे एक चीज कॉमन है मैंने देखी कि यहाँ पे ना कैसा ही पानी बंदे नहाने लगते हैं। वहाँ पे भी तीन चार यूक्रेन बंदे जो नहा रहे हैं, अपन चलते हैं अभी उधर देखते हैं। यहाँ पे इवन बोट्स का शायद ये बोट म्यूजियम है कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज मैक्सिमम जितने भी रखते हैं उसको फिर म्यूजियम टाइप में बना देते हैं, और वहाँ पे एक बड़ी बोट भी रखी हुई है। चलते हम देखते हैं वहाँ पे कैसा है, तो चलिए फिर चलते हैं। ये टाइटैनिक लिखा है यहाँ पे, और ये टाइटैनिक दिखा रखी है इन्होंने। वो जो अपने साथ यूक्रेनियन बंदे थे, जो एक फैमिली थी, वो बोले कि हमने क्या नाम है, हमारे पास पूरे दो तीन दिन के लिए आए हैं, तो हम ये जो ओल्ड सोफीव का पार्क है वो भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे ये लव फाउंटेन, ये जो तब इसको लव फाउंटेन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आई लव वुमन लिखा हुआ है पास में, और ये फाउंटेन है, ये रात को शो चलता है यहाँ पे, तो अच्छा है। देखिए यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए है, और ये पायरेटेड शिप बना रखी है जो कि खेलने के लिए पूरा रेत, और ये देखिए वाले मोहल्ले में पहुंच चुके हैं पूरा। जैसे आप उस बच्चे को देख रहे हो, उसके कानों के पास बाल देखिए, और यहाँ पे एक और चीज़ है, इनकी जो कॉस्ट्यूम है ना ये थोड़ी अलग होती है, दिखाता हूँ अभी। और ये कुछ मतलब हमारे में बहुत अलग ही एरिया है, बहुत ही ज़्यादा अलग, लाइक ये बने भी बहुत अलग हुए हैं, और जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ये बहुत ज़्यादा स्केरी बना रखा है, पता नहीं क्यों। और थोड़ा सा जाने में भी अलग ही लग रहा है, क्योंकि हमने देखा था जैसे फोटोज़ में इनकी कुछ अलग ही लैंग्वेज में था, यूक्रेनियन में भी नहीं था, रशियन में भी नहीं था, इनकी कुछ अलग ही लैंग्वेज होती उसमें लाइक लिखा हुआ था, और ऐसे बना रखा है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर भी चल के देखते हैं कैसा रहेगा, चलिए फिर। तो यहाँ पर जैसे अपन आ चुके हैं, तो यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या है वो, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। ओके तो अभी हमें पता चला है, जैसे अंकल ने बताया अभी, कि ये जो है ये तो एक मतलब रहने का जगह है, क्योंकि यहाँ पे चार हफ्ते बाद एक फेस्टिवल आने वाला है, उमन में जैसे बहुत सारे जूश पीपल रहते हैं, जूश पीपल का एक फेस्टिवल आने वाला है चार हफ्ते बाद। तो इवन ये बता रहे, ये जो अभी इतनी खुली जगह, ये जो खुली जगह इतनी दिख रही है पूरी, यहाँ पर चार हफ्ते बाद चलने तक की जगह नहीं होगी, ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे बंदे आते रहेंगे जाते रहेंगे। और यहाँ पे भी अभी मतलब अभी से बंदों ने अपना लाख के बिछाना शुरू कर दिया है, कि वो अभी यहाँ पे रुक रहे हैं, और यहाँ पर बंदे मतलब रहते हैं अंदर, वो वहाँ पर भी इवन रह रहे हैं अभी।
उन्हें अभी एक और चीज़ बताई कि यहाँ पे जो ऊपर है ना, यहाँ पे अंदर जो, हाँ ये जो प्लेस है यहाँ पे इनका लाइक बंदे जाते हैं गंगा के लिए, हरिद्वार, ये सब पिलग्रिमेज है, ये इनकी रिलीजियस प्लेस है। ओमान में होगा इनका कुछ, ओमान में तो यहीं पे ये ज़्यादा बंदे आते हैं और पूरा इनका फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और ये इनकी मतलब पूरी दुकान है, दुकानें भी बनी हुई है पूरी पीछे से, और ये एंट्रेंस है पूरा। ये जो है यहाँ पे एंट्रेंस है, अंदर आए थे और हमने देखा कि ये जो इनकी लैंग्वेज है ना, ये इनकी लैंग्वेज जो है लिखी हुई है हेब्रो है, हेब्रो लैंग्वेज होती है इनकी, इनकी बुक्स भी उसी लैंग्वेज में लिखी हुई है पूरी। और लाइक ठीक है बट डिफरेंट, लाइक जिस पीपल मैं अपनी लाइफ में इनको पहली बार देख रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट है। और जब तक आया नहीं था यहाँ पे थोड़ा अलग लग रहा था, थोड़ा डर सा भी फील हो रहा था, बट अभी सही है। तो यार जैसे मैंने सोचा था लाइक, और ये एक और बात है, ये लाइक जैसे अभी अंदर देखा मैंने, ये जो ज्यूइश रिलीजन है ये इस्लाम रिलीजन से बहुत हद तक मैच कर रहा है। एंड वही है लाइक हिब्रो को इनकी लैंग्वेज है जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक था यार, एक न्यू एक्सपीरियंस, और ट्रैवलिंग तो यार यही होती है लाइक, क्या है न्यू एक्सपीरियंस मिला। ये लोग भी छोटी सी कैप लगाते हैं, और ये मेनली ब्लैक कलर का कोट और ब्लैक कलर की वो अपने सर के ऊपर टोपी पहने रखते हैं। ठीक था, एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस करी अभी जैसे यहीं पे बैठा हुआ था, यहीं पे ही है, अगर वहाँ तक आपको दिख पा रहा हो तो वहीं पे ही है। तो यहाँ पे यार यहाँ की जो गर्ल्स हैं ना, ज्यूइश पीपल, जैसे क्या नाम है, सिख लड़कियाँ होती हैं वो दुमाला बांधती है, जो अमृतधारी लड़कियाँ होती हैं वो दुमाला बांधती है। इन्होंने भी अपना हेड कवर खड़ा हुआ है कुछ वैसे ही, एक टाइप के दुमाला टाइप का इन्होंने बांधा हुआ अपने सर पे। और मतलब ये लोग भी जो मैरिड वुमेंस, मेनली मैरिड जो बच्चियां हैं, मेरे ख्याल इनके में भी कुछ होता होगा बैप्टिज्म टाइप, मतलब जाते होंगे होली वाटर कुछ, उसके बाद ही ये लोग कुछ बांधना शुरू कर देंगे गर्ल्स मेनली। बॉयज़ तो मैंने देखा, छोटे छोटे बॉयज़ भी देखो, ये इनके यहाँ से छोटे छोटे मतलब जो बाल निकले हुए हैं कलम पूरी बढ़ा रखी है इन्होंने। और मेनली गर्ल्स का ऐसा नहीं है, गर्ल्स मेनली मैरिड जो हैं उन्होंने बांधा हुआ है वो जो सर के ऊपर, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये मैंने नोटिस किया अभी। इवन ये इन्होंने अपना ये जो मॉल है ये भी इनकी होब्रू लैंग्वेज में है, ये पूरी की पूरी लाइक जितना आप देख पा रहे हो उमन में, ये जो जितना भी पूरा इलाका है ना यार, ये पूरा ज्यूइश पीपल का है, पूरा का पूरा ज्यूइश पीपल। इसराइल के यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स भी हैं वो पीछे बोल रहे थे, इसके लिए यूक्रेनियन गवर्नमेंट क्या करेगी अब नेक्स्ट वीक से, जैसे इनका फेस्टिवल आने वाला है तो इसराइल की एंट्री रोक देगी, क्योंकि बहुत सारे भर के आ जाते हैं लोग ज्यूइश पीपल दुनिया भर में से, और मेनली इसराइल की रोक दे दिए। तो इस हफ्ते जितने भी बंदे होंगे ना, अभी बहुत सारे आ रहे हैं लाइक यहाँ पर इनके, उसके लिए जो इनका फेस्टिवल आने वाला है, एक तरीके से न्यू ईयर है उनका,
जैसे आपने पीछे देख पा रहे होंगे मेरे, ये सब जूश पीपल हैं। और बढ़िया यार, लाइक एक न्यू एक्सपीरियंस, जूश पीपल को आज तक देखा नहीं था, लाइक अच्छा रहा। देखिए जो मैं बात बता रहा था दुमाला टाइप की, वो ये देखी, जो मैरिड वुमेन्स है वो अपना सर कवर, वो ये। चलिए ठीक है, फिर अभी हम चल रहे हैं कहीं और, स्क्वायर की तरफ। यहाँ पे पूरा हमने देख लिया, कुछ खाएंगे और फिर स्क्वायर की तरफ चलते हैं। कुछ 3:30 हो चुके हैं। ओके देन, मिलते हैं फिर आपसे। फिर अभी हम मतलब कुछ 5:20 हो रहे हैं और 6:30 की हमारी बस है। एंड अभी हमने लाइक चेकआउट कर लिया अपना और बैग लेके हम बाहर आ रहे हैं। जैसे टाइम अच्छा खासा है तो फिर हम देखेंगे, अभी तो बैठे ही हुए हैं। हम थोड़ा जल्दी निकल लिए क्योंकि क्या नाम है, ख़त्म हो गया था, हमने मैक्सिमम चीज़ें सब देख ली था, सेंटर हमारा देख लिया था और फिर जूश पीपल के वो हमारा लास्ट था। वहाँ से आने में एक्चुअली बस फैसिलिटीज़ यहाँ पर थोड़ी कम है। एंड एक और चीज़ नोटिस करी, जैसे जूश पीपल है ना, उनकी तरफ लाइक उनका जो कम्युनिटी थी, उस वो जो एरिया था पूरा जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहाँ पे ना बहुत कम फैसिलिटीज़ थी। लाइक वहाँ पर बसेस फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, उधर से कुछ 1.5 किलोमीटर अपने को पैदल चल के जाना होता था। दूसरी तरफ वहाँ पे जाके अपने को फिर मिली थी बस, और वो भी इतनी रेगुलर नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो फिर हमें टाइम लगा अच्छा खासा, वहाँ पे हमारा 30 मिनट कुछ वेस्ट हुआ, तो फिर भूख लग रही थी, फिर हम यहाँ पर आए और अभी हम चल रहे हैं अपना ऑफ द वर्क्स मेन सेंट्रल बस स्टेशन की, और फिर अपनी बैठेंगे, मैंने सब पूछेंगे। ठीक ठाक थी ट्रिप, मज़ा आया, नई चीज़ें सीखने को मिली बहुत कुछ, और यूक्रेनियन फैमिली से भी मिले थे, अच्छा रहा था। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप में कहाँ पे जाना होगा, और बढ़िया। ओके देन, चलते हैं, गुड बाय।